ज्योतिष आचार्य जी, कुछ ही दिनों में नया सप्ताह आने वाला है, दिसंबर महीना का। तो इस सप्ते में 12 राशियों के ऊपर क्या राशि प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। यह नया सप्ताह जो प्रारंभ हो रहा है, यह नए सप्ताह में मेष राशि वालों का यह सप्ताह जो रहेगा वह नकारात्मक रहेगा। आप धन निवेश व्यापार में न करें, सेहत पर विशेष ध्यान रखें। आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि वालों का मिला जुला रहने वाला है। आलस्य न करें, नहीं तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। मिथुन राशि वाले का सकारात्मक रहने वाला है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप सोच समझ करके कोई कार्य करें, आपको फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। खर्चा कम होगा, आमदनी ज़्यादा होगा, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, इसलिए यह सप्ताह आपका पूरा भरा पूरा रहने वाला है। सिंह राशि वाले का यह सप्ताह सामान्य रहेगा, न ज़्यादा लाभ होगा न हानि होगी, मिला जुला असर आपका रहेगा। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। अत्यधिक धन आपको लाभ मिलेगा, खर्च बहुत कम होंगे इस सप्ताह में। तुला राशि वाले का सकारात्मक रहने वाला है। तुला राशि भी यह सप्ताह में आपका रुका हुआ जितना भी धन है वह सब वापस आएगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आप अपने सेहत पर विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है। संतान को लेकर चिंता होगी, आप संतान के पक्ष से ज़्यादा चिंतनीय रहेंगे। धनु राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। आपका यह सप्ताह भाग्य आपको पूर्ण साथ देगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है और सकारात्मक के साथ आपका व्यापार बिजनेस इत्यादि में आपकी वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन होगा, वेतन में भी वृद्धि हो सकती है और अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कुंभ राशि वाले का यह सप्ताह नकारात्मक रहेगा। यह सप्ताह सोच समझ करके कार्य करें, क्योंकि यह सप्ताह में शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी, इसलिए आप वाणी में संयम रखें और किसी को कड़वे शब्द का प्रयोग न करें। आप हनुमान जी की आराधना करते रहें, आपका सब सही होगा। मीन राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य होंगे, घर में सुख और शांति का वातावरण रहेगा, पूरे परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, इसलिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।